अब खोल लियो आंख, ये देखो ढंग से, देखो कुछ हो कोचिया मैं बचा नहीं हुआ कोचिया ना जी। हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, आई एम इंडियन टैटू कलेक्टर। सो आज की वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट टैटू के ऊपर होने वाली है। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी का पोर्ट्रेट करवाऊंगा। सो आज वो दिन है जब मैं पोर्ट्रेट करवाने वाला हूँ। और पोर्ट्रेट करवाने के पीछे का रीज़न यही है कि जिस इंसान का मैं पोर्ट्रेट करा रहा हूँ, मैं उसे सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, और मैं वो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ जब तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या जब तक मैं ज़िंदा हूँ, वो मेरे साथ रहे। और जो मैं पोर्ट्रेट करवाने वाला हूँ वो मैं अपनी दादी का करवाने वाला हूँ पोर्ट्रेट। एक्चुअली कुछ दिनों से, मतलब मेरी दादी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 97 हो चुकी हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब रहती है। कभी कभार उनको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझसे देखा नहीं जाता, और कभी कभार देख के लगता है, उनको अजीब लगता है कि मन में बहुत ज़्यादा अजीब ख्याल आते हैं कि यार क्या होगा, या इनको कुछ हो गया, तो मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ ही रहें, और भगवान ना करे कि उनको कुछ हो जाए। बट ये सर्कल है जो आता है, उसको जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो मैं जब भी उनका फेस देखता हूँ ना, तो वो मेरी रियल खुशी है। मतलब बहुत बार, मतलब मेरे डैड ने भी मुझे बताया कि मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट आता हूँ एज अ वर्क को लेके, तो वो रात को सोती नहीं है, उठ उठ के पापा को परेशान करेंगे कि वो आया नहीं। एक्चुअली उनको टाइम का पता नहीं होता, उनको टाइम का पता नहीं होता कि कितने बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं। 7 बजे भी वो पापा को परेशान करने लगती है कि वो आया नहीं अभी तक, कहाँ है। और कभी कभार उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया है कि एज अ मेरी जॉब को लेके, कि तू जॉब छोड़ दे, तू रात को लेट मत आया कर, अच्छा नहीं होता इतनी रात को लेट आना, तो क्यों आता है इतनी लेट। तब मैं उनको समझाता हूँ फिर, तो तब भी फिर भी मतलब लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो पोर्ट्रेट जब मैं उनका करवा रहा हूँ, तो मैं जब भी मतलब जब भी मैं उनको देखूँगा, और वो मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी टाइम का वेट करूँ कि कुछ हो जाए मैं तब उनका पोर्ट्रेट कराऊँ। तो एज एन सरप्राइज़ भी है उनके लिए कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगा कि मैं उनका पोर्ट्रेट करा रहा हूँ। उनको उम्मीद नहीं थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं टैटूज़ के लिए, क्या करा लिया तूने। और मैं जब भी आता हूँ उनको हमेशा दिखाता हूँ मैं टैटूज़ के लिए, टैटूज़ करवा रहा हूँ चाहे मैं पेयरसिंग करवा रहा हूँ, मैं उनको हमेशा दिखाता हूँ, मतलब उनको छेड़ता हूँ, मैं मजाक करता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में भी आप मेरे देख सकते हो कि मैं कैसे उनको छेड़ रहा हूँ। तो ये पोर्ट्रेट ना रहेगा मेरे साथ, और मैं हमेशा ना देख के खुश रहना चाहता हूँ उनको देख के, क्योंकि वो रियल खुशी है मेरी, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मतलब अजीब तो लग रहा है, और देख के कभी कभार बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि जब वो बीमार होती हैं, और अब एज है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सरप्राइज़ है उनके लिए, और मैं उनका पोर्ट्रेट करवाने जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं डेली उस चीज़ को देख के खुश होऊंगा, अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है। तो वीडियो टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्वायरीज, या अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो या कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रही हो टैटू से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं, देखते हैं कि मैं कहाँ पोर्ट्रेट करा रहा हूँ, वो सारा सस्पेंस है, और किस टाइप का पोर्ट्रेट है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। सो फाइनली गाइज, आई एम इन स्टूडियो, कमाया टैटू स्टूडियो, आपको दिखाता हूँ। और रात के बज चुके हैं, अभी 9 बज चुके हैं, और हमने रात को टैटू डिसाइड किया था कि हम रात को करेंगे, क्योंकि रात का टाइम बहुत सही होता है, बहुत शांति होती है। तो जो प्लेसमेंट है वो मेरे इस पार्ट पे है, और ये बिलीव मेरे कवर होने वाला है, और इस साइड में भी थोड़ा बहुत कवर होने वाला है। और जो पोर्ट्रेट है मेरी दादी का, वो ये बनवाने वाला हूँ, स्माइल करते हुए। बहुत मुश्किल हुई थी इनके स्माइल कराने के लिए, तो आज ये होने वाला है मेरा।
फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और मैंने नहा धो भी लिया है और टैटू भी क्लीन कर चुका हूँ। और अभी मैं दादी को बुलाऊँगा, पापा को मैंने बोल दिया है, तो वो देखते हैं कि उनके रिएक्शन क्या होते हैं। पहले तो वो मुझे डांटेंगी या उनको समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, तो वो देखते हैं। मैं भी अपनी दादी को बुलाता हूँ, मैंने बोल रखा है, देखते हैं उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। अब खोल लियो आंख, ये देखो, अरे कैचियो ढंग से देखो, कोचियो कोचियो मैं बचा नहीं हुआ कोचियो ना जी वही जा ओए। मैं चुम आया हो अरे वही जे तू बहुत कहल गाड़ा यार मेरे अपन ओ साथ रखने चाहिए थी। वो जा ना जी जी रे जाई रे आसमान टूक ना दे समंदर जा ना दे राजा बन दे हाँ ओए ओ कैसे राजा लगा दी, कैसे लगा तेरा फोटो? ओ राजा बन दे लगन में बन रहू से तूला बन दे ओए कैसे लगा दी, बहुत लागो बो रात बो बना रही थी, बो रात भूख बहुत बना जाओ दे दे मैं की। बोल आई लव यू, आई लव यू लव यू टू बोलो, लजू लव तू यू टू। लजू तू कैसा लगा सरप्राइज? लजू तू कमो मैं कर लेंगे मैं